जय माता दी, दिस इज कविता भक्तियानी, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी बेस्ट विशेज फॉर माई 100th एपिसोड. येस, आई हैव कम्प्लीटेड माई सेंचुरी ऑफ नॉन स्टॉप डिशेज, सो कीप वॉचिंग. एंड दीज आर ऑल माई फैंस हु हैज सेंट मी ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेज, सो कीप वॉचिंग. आई विल बी शेयरिंग मैनी मोर डिशेज विथ यू. टिल देन बाय, इन्जॉय. लेट्स स्टार्ट द एपिसोड ऑफ लेट्स स्टार्ट नॉन स्टॉप 100 में सेंचुरी एपिसोड में हम बनाएंगे सिंधी मील. यस, सिंधी मील, जो सब फेमस चीज़ें मैंने ऐड की हैं हमारी सिग्नेचर डिशेस. बेसन की टिक्की, आनी की भाजी बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें खसखस पड़ती है. टूक आलू, आलू फ्राई रहते हैं. दिलखुश इज अ सलाद एंड रोटी एंड पापड़ एंड स्वीट में सेव की मिठाई, सेव बर्फी. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारी टिक्की की भाजी है, देखिए अभी इसे हम कैसे बनाते हैं. ये बहुत ही यम्मी बनती है, टेस्टी बनती है, सो डोंट मिस इट. इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 वाटी बेसन और 4 चम्मच ऑयल, धनिया बारीक कटा हुआ, 1 कांदा बारीक कटा हुआ, थोड़ा अनारदाने का चूरा, अदरक की पेस्ट, जीरा, हरी मिर्च कुटी हुई, खसखस 50 ग्राम्स भीगी हुई और लाल मिर्च पाउडर, हींग और नमक. ये इससे इन सबको हमने मिक्स कर लेना है. 1, 2, 3, 4 आप पिक्चर देख लीजिए, ड्राई मिक्स करना है. उसके बाद हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका डो बना लेना है. इसका डो कड़क होना चाहिए और इसकी हमने कटलेट शेप में टिक्की रेडी कर देनी है और उसे हमने फिर शैलो फ्राई कर देना है. ये हमारी एक सेक्शन रेडी हो गया है. अभी हम इस टिक्की को साइड में रख देंगे. अभी हम इसका बेस ग्रेवी रेडी करेंगे. इसके लिए मैंने लिया है 5 ऑनियन बारीक कटे हुए, 2 टोमेटो और 2 पोटैटो. इसमें नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ऐड करके हमने इसे थोड़ा सा सौते कर लेना है तेल डाल के. इसे 5-7 मिनट तक सौते करना है. ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, लेकिन पोटैटो 50% पकेगा, वो हम बाद में और पकाएंगे इसे. और इस तरह हो जाने के बाद हमने इसमें वो टिक्की डाल देनी है और 1 ग्लास पानी डाल के हमने इसे ढक के पकने देना है और इसे 5 या 7 मिनट तक हमने पकने देना है. बीच में एक बार चेक करना है और उसके बाद ये हमारी ऐसी भाजी रेडी हो जाएगी. ये टिक्की की भाजी बहुत ही प्यारी बनती है, सो प्लीज़ डोंट मिस इट. एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसी लगी. टिक्की के अंदर जो खसखस है उसका स्वाद बहुत ही प्यारा आता है. अभी हम इसके साथ फुलका खाएंगे, दैट इज़ रोटी, गेहूँ की रोटी. इस तरह आप, मैंने नंबरिंग डाल दिए हैं, थोड़ा तेल डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के वापस फोल्ड करके हमने सेक लेना है. इस तरह सिंधी फुलका रेडी हो जाता है. ये बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि इसके 2 लेयर बन जाते हैं, ये फूक जाता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है. इसमें तेल या मक्खन, घी, जो आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं और भाजी के साथ खा सकते हैं. आज हम सिंधी मील शेयर कर रहे हैं. अभी हमारी एक डिश हो गई, हम नेक्स्ट डिश पे चलेंगे. दिस इज सिंधी मील, लव इट. आलू फ्राई सिंधी स्टाइल में, इसे बोलते हैं टूक पटाटा. यस, 4 आलू ले लिए मैंने, उनसे छिलके पानी में धो लिया है मैंने और उनको थिक थिक पीसेस में काटना है, इतनी थिकनेस होनी चाहिए. और फिर हम मसाला रेडी कर देंगे. इसके लिए नमक, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला मिर्ची पाउडर, इन सबको मिक्स करना है और रेडी रखना है. पैन में तेल गरम करके हम ये आलू डालेंगे. इसे हमने पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 50-60% पका के हमने इसे निकाल देना है. जैसे देखिए इस तरह आपका फोक अंदर चला जाए, इतना हमने पकाना है, पर सॉफ्ट नहीं करना है. फिर इसे मैंने प्लास्टिक के एक प्लेट थैली पे डाल के उसे हाथ से दबा दिया है और इसे हम फिर से रीफ्राई करेंगे और इसे क्रिस्पी निकालेंगे. अभी इसको हम फ्राई करके, हमने इसे क्रिस्पी निकाल के इसके ऊपर मसाले डाल दिए हैं. ये हमारे रेडी है टूक आलू पोटैटो फ्राई, दिलखुश सलाद. चलिए बनाते हैं और दिलखुश कर देते हैं. इसके लिए हमें ऑनियन लंबा लंबा काट लेना है, टोमेटो भी बारीक लंबा लंबा काट लेना है, थोड़ी इमली की प्योरी चाहिए, लाल मिर्च, नमक, गुड़
धनिया और नींबू का जूस, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। गुड़ को भी अच्छे से हाथ से अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेना है और इसे धनिया से गार्निश कर लेना है। ये बहुत ही यम्मी बनता है, खट्टा मीठा तीखा यम्मी। सो दिल खुश सलाद। सिंधी स्पेशल मिठाई सेव बर्फी, सेव मिठाई, इसे सिंधी में कहते हैं सिंगर जी मिठाई। ये हमारे बहुत ही प्यारी मिठाई है, बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही फटाफट बनती है। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 200 ग्राम सेव और 150 ग्राम मावा और 150 ग्राम शुगर और रोज़ एसेंस हमें एक चम्मच लगेगा। अब हम पहले चाशनी बना लेंगे। इसके लिए हम पैन में डालेंगे पानी, एक वाटी पानी और शुगर, और उसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। शुगर गल जाने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा शुगर गल जाए और दो मिनट के बाद हमने उसमें सेव डाल देना है। सेव को ऐड करके हमने गैस थोड़ा स्लो कर देना है और इसे हल्के से हिलाना है। सेव को इसमें पकने देना है, जैसे सेव स्वीट उसका एब्जॉर्ब कर ले, और इसे थोड़ा सा हल्के से घुमाते रहना है। ये थोड़ा घुमाने के बाद हमने इसमें मावा ऐड करना है। मावा भी फीका ही रहता है, सो उसके भी शुगर सक हो जाएगी। सो मावा को हमने मैश करके उसमें घुमा लेना है। उसके बाद हमने इसमें एक वाटी दूध डालना है, 100 ml, और वो दूध हमें मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक चम्मच रोज़ एसेंस डालना है, और उसके बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट का चूरा डालना है। थोड़ा ड्राई फ्रूट का चूरा हमने बचा के रखना है गार्निश के लिए। अब इसे थोड़ा हमने घुमाते रहना है, ये खुद ही पैन से नीचे से छोड़ देगा, तब आप समझ जाना कि ये हमारी स्वीट अब रेडी हो गई है। और फिर हम इसे एक इसमें डिश में ग्रीस करके और ये डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे। इसे ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेना है, और आपकी एक या डेढ़ घंटे के बाद ऐसे पीसेस काट लीजिए। ये आपकी सेव की मिठाई इज़ रेडी टू ईट। ये बहुत ही झटपट बनती है, बहुत ही प्यारी बनती है। सिंधी मील में ये एडिशन बहुत ही प्यारी है। ये सिंधी मील आप खाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मेरी फ़ैन क्लब, प्लीज़ वॉच एंड सी एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, डू एवरीथिंग। कीप वॉचिंग, I'll be sharing many more dishes with you. This is Century episode from Kavita Bhaktiani. Till then, bye. Enjoy.